मैं तो अपने रास्ते पर चल ही रहा था, पर अचानक मेरे रियर व्यू मिरर पर दो लाइट्स चमकती दिखी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं नो पार्किंग पर खड़ा था। फिर पार्किंग टिकट मिली, इस बार बूट मिला, बड़ा सा मेटल टायर क्लैंप जिसे निकालना नामुमकिन है। सही समझी तो लोकल पुलिस ने अपना फर्ज निभाया और जैसे ही वो वहाँ से दूर चले गए तभी मैंने अपने उस नए शाइनी शू को निकाल कर फेंक दिया। पता नहीं तुम कभी सुधरोगे भी या नहीं। तुम तो जानती हो आरसी, क्लिफ जंपर से जो टकराएगा वो बाद में पछताएगा। लगता है तुम ऑटोबॉट का रूल नंबर 1 भूल रहे हो, किसी की नजरों में ना आना। अब क्या करूं? इतनी सुनसान जगह पर एनाजॉन को ढूंढते ढूंढते बोर हो गया था। अब तो मैं डिसेप्टिकॉन्स को मिस करने लगा हूँ। तुम बहाने बनाने में माहिर हो। हम जब भी ट्रैवल करते हैं अकेले ही होते हैं क्लिफ। मुझे सिग्नल मिल रहा है। बैकअप चाहिए? मुझे उसकी जरूरत नहीं। मुझे एनाजॉन का खजाना मिल गया है। डिसेप्टिकॉन्स? आरसे, अब मुझे बैकअप की जरूरत है। अच्छा वार था, इसका जवाब और जोरदार मिलेगा। आरसी टू ऑप्टिमस, दुश्मन लौट आया है, क्लिफ की जान खतरे में है। समझ गया रैचेट, तुम्हारे पास क्लिफ जंपर की लोकेशन है। मुझे उसका सिग्नल मिल रहा है ऑप्टिमस, लेकिन हमारी टीम वहां से कोसों दूर है। आरसी, बल्कहेड, बम्बलबे, अपने अपने बेस पर लौटो और क्लिफ की मदद के लिए पहुंचो। उससे जो टकराएगा बहुत पछताएगा। यहां पर तो काफी एनर्जॉन है। 3 साल में पहली बार डिसेप्टिकॉन्स हरकत में आए हैं। शायद पहले भी आए हों। अगर वो एनर्जॉन की तलाश में हैं, तो इसका मतलब वो लौटने वाला है। नहीं। रैचेट, तुम उसके पोजीशन ट्रैक कर सकते हो?
नहीं, क्लिफ चंपा का सिग्नल ऑफलाइन हो चुका है। साउंड वेव, क्या बात है? तुम तो बहाने बनाने में माहिर हो। हम जब भी ट्रैवल करते हैं अकेले ही होते हैं क्लिफ। इसका नाम आरसी है ना? जब मौका मिल ही रहा है तो क्यों ना एक और ऑटोबॉट का शिकार किया जाए। क्लिफ जंपर के साथ बुरा हुआ, पर हमें अपने गुस्से पर काबू रखना है। कोई गलत कदम नहीं उठाना। इस पृथ्वी पर आज से हम सिर्फ 5 ऑटोबॉट्स ही बचे हैं। हमें लड़ना होगा हमारे लिए, साइबरट्रॉन की यादों के लिए, गैलेक्सी के हर ऑटोबॉट के लिए जो महफूज रहना चाहता है, इंसानों के लिए और हमारे बहादुर दोस्त की कुर्बानी के लिए। आरसी, क्लिफ जा चुका है। यहाँ पर अफसोस मनाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए बुरा मत मानना, पर मैं इंसानों को सुरक्षित रखने का अपना फर्ज निभाने जा रही हूँ। ऑप्टिमस, इंसानों की मदद करने का मतलब है कई और जानों को खोना। तुम्हारी बात याद रखूंगा। वेलकम टू केओ ड्राइव इन, जहाँ की पैटी नॉकआउट कर देती है। बताइए आपका ऑर्डर क्या है? 2 सुपर कॉम्बोज और फ्राइज। ठीक है, कॉम्बो, एक्स्ट्रा फ्राइज, और कुछ चाहिए? हाँ, एक सलाह चाहिए थी। मुझे तुम्हारी जैसे ऑसम जॉब कैसे मिल सकती है? आपका ऑर्डर रेडी है, चाहिए तो ले लीजिए, और अगर मेरी जॉब इतनी अच्छी लगती है तो वो भी कर लीजिए। कितना हुआ? 559 सर, विंडो पर पे कीजिए। उसके पैसे मुझे देने पड़ेंगे। ट्विन्स, आराम कर लो सेडी। हे मॉम। हाँ, अभी फ्री हुआ। नहीं, मैं डांस पर नहीं जा रहा। पिछली बार के एक्सपीरियंस के मुताबिक डांस में मेरा कोई चांस नहीं है। क्या संभल कर रहा हूँ? सीरियसली, ये जैस्पर है मॉम। आई लव यू। या आई लव यू टू मॉम। अच्छा, रखता हूँ। हेलो ब्यूटीफुल, तुम मुझे मिल जाओ तो लाइफ बन जाए। वाह, कई महीनों की सैलरी खर्च होगी, लेकिन एक दिन मैं तुम जैसी बाइक खरीद कर आऊंगा। क्या तुम अपनी मोटरसाइकिल से बात कर रहे हो? मेरी मोटरसाइकिल? नहीं, आई मीन हाँ हाँ, ये मेरी है, लेकिन नहीं, मैं इससे बात नहीं कर रहा था, लेकिन तुमसे बात कर रहा हूँ। कैसी हो सियारा? कभी राइड पर जाने का मूड हो तो बताना। चिकनी चुपड़ी बातें छोड़ो और चलो यहाँ से। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? हम होम रूम में साथ तो थे। मैं जैक हूँ, जैक डाबी। आ गए। ये कौन बोला? कमांडर स्टार स्क्रीन, टारगेट मिल गया है। उसके साथ एक इंसान है, एक लड़का। दोनों को खत्म कर दो। तुम हो क्या? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। मेरे बारे में किसी को बताया तो घर आकर मारूंगी। फिर आ गए। अरे मैं तो उसे जानता तक नहीं।
वो लोग हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? हम कहकर दोस्ती मत बढ़ाओ, और वो इंसान नहीं है। ये तुम्हारा दोस्त है? फैमिली मेंबर है। मामा, रेसिंग यही सड़क के पास। ओके, 5 मिनट में आता हूँ। काश ये कोई सपना हो। बस बहुत हुआ तमाशा। सब क्या है? बोलती हुई कार जो रोबोट भी बन सकती है, या फिर ठीक इसका उल्टा। ये वाला क्लिफ के नाम। बात नहीं होता है। उसे छोड़ दो प्लीज। गलत टाइमिंग। कम ऑन, जल्दी भागो। थैंक यू। मुड़कर मत देखना। हम सपना तो नहीं देख रहे? पता नहीं, और उसके बारे में जानना भी नहीं चाहता। किसको धूल चटाऊं? देर से क्यों आए? ट्रैफिक था। डिसेप्टिकॉन्स मेरे हाथों बचते नहीं अगर उस इंसान ने मेरा ध्यान ना भटकाया होता। इंसान? दो लड़के। दूसरा वाला शायद लड़ाई के दौरान ही सामने आया, मुझे याद नहीं, मैं उस वक्त बहुत बिजी थी। अगर हम डिसेप्टिकॉन्स के टारगेट्स हैं, तो वो जिसे भी हमारा साथी समझेंगे उसे छोड़ेंगे नहीं। राफ, हे, देखो जो हुआ उसे हमारे बीच ही रखना, बल्कि भूल जाओ जो हुआ। जैक, हाँ, जब फिर से आ गए? ये हमें अंदर बुला रहा है? नहीं, सिर्फ मुझे। और तुम्हें कैसे पता चला? इसी ने कहा। क्या? तुम्हारी राइड वो है। देखो, मुझे नहीं लगता ऐसा करना। कैसे हो तुम? राफ,
सुनो, रुको। कमाल की बाइक है। मॉम डैड भी ना, इग्नोर। रिलैक्स, मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब तुम और तुम्हारी नई दोस्त? देखो, तुम्हें कुछ चीजों को समझना होगा। नहीं, मैं समझता हूँ। रोबोट फाइट क्लब का पहला रूल है कि उनकी फाइट के बारे में किसी से मत कहना। अब तुम मेरी एक बात समझ लो, मैं बात करने वाली क्रेजी कार से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं अपनी जान गंवाने का। सुनो, जैक नाम है ना, तुम्हारी जान बचाने के लिए ही ऑप्टिमस प्राइम ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। रुको, ऑप्टिमस कौन? तुम पर खतरा आ सकता है, क्योंकि तुम उन चंद लोगों में से हो जिन्होंने हमें देखा है। डूड, इतना सोच क्या रहे हो? चलते हैं ना। एक और। मैं समझा नहीं, हम इसे साथ क्यों ले जा रहे हैं? रूल्स। ये क्या? मुझे लगा था सिर्फ दो इंसान थे। क्या तुमने सुना नहीं है, इंसान मल्टीप्लाई होते हैं। मैं हूँ रैफ। मैं हूँ मीको। तुम कौन हो? बल्कहेड। हाँ, तुम भी कार हो? मुझे लगता है तुम एक ट्रक हो, एक मॉन्स्टर ट्रक। तुम्हें हेवी मेटल पसंद है? तुम्हारा वजन कितना होगा? तुम पंचिंग बैग की जगह मेटल बॉल यूज करते हो। तो अगर तुम सब रोबोट हो तो तुम्हें बनाया किसने? बस इसी की कमी थी। हम सब साइबरट्रॉन प्लैनेट से आए ऑटोनोमस रोबोटिक ऑर्गेनिज्म्स हैं। हमें ऑटोबॉट्स भी कहते हैं। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे प्लैनेट को डिसेप्टिकॉन से बचाने के लिए। यानी वही जोकर्स जिनसे कल हमारी झड़प हुई थी। अच्छा, पर वो यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा सवाल है जैक। यूं समझ लो कि सदियों से चली आ रही लड़ाई की वजह से हमारा प्लैनेट बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। लेकिन सब लड़ क्यों रहे थे? शुरुआत तो हमारे प्लैनेट से एनर्जॉन के सप्लाई के लिए हुई थी, जो हम ऑटोबॉट्स का फ्यूल और जिंदगी दोनों है, और डिसेप्टिकॉन्स का भी। वो भयंकर लड़ाई सदियों तक चलती रही। शुरुआत में मैं उसकी तरफ से लड़ा था जिसे मैं अपने भाई समान मानता था, लेकिन उस लड़ाई ने सारे रिश्ते तोड़ दिए, और इसलिए मेगाट्रॉन रास्ते से भटक गया। क्या आप क्विज खेलने वाले हैं? तो फिर मेगाट्रॉन का या फिर इस सब का हमसे क्या लेना देना? मेगाट्रॉन के बारे में काफी अरसे से किसी ने ना कुछ सुना ना कुछ देखा, लेकिन अगर वो लौट कर आता है, जिसका मुझे डर है, तो हर तरफ बर्बादी होगी। वो ट्रांसमिशन स्पेस में बहुत दूर से आ रहे हैं। मैं बेकार में इतना एनर्जॉन खर्च नहीं करना चाहता। साउंड वेव, ये खबर पक्की तो है ना? फिर ट्रांसमिशन के कोऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड करो और स्पेस ब्रिज को एक्टिवेट करो। मैं लौट आया हूँ।